रेवाड़ी कस्बे के जीजीआईसी स्कूल के बगल में उप डाकघर का भव्य निर्माण किया गया था, जिसका शुभारंभ हमीरपुर महोबा तिंदवारी के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने रविवार को भव्य उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संघर्षों प्रयासों से कोई संस्था कितनी ही तरक्की कर ले, अगर उसने अपना इतिहास भुला दिया तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। हमीरपुर महोबा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने पनवाड़ी स्थित नवनिर्मित उप डाकघर भवन के उद्घाटन करते हुए रविवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय डाक विभाग ऐसी संस्था है जिसने अपने इतिहास को संजोए रखा है। स्थानीय लोगों से संवाद के दौरान सांसद ने बैंकों के साथ डाकघर की बचत, सुकन्या और अटल पेंशन योजना जैसी स्कीमों में निवेश करने की अपील की। अपनी स्पीच में सांसद ने ट्रंक कॉल, तार, मनी ऑर्डर और चिट्ठियों से पूर्व में कैसे संवाद होता था उसका जिक्र किया। उद्घाटन के इस आयोजन में उनके साथ उत्तर प्रदेश के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के सिन्हा, कानपुर परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल श्री रिजवी और बांदा मंडल के पोस्ट मास्टर जनरल राकेश कुमार मौजूद रहे। सिन्हा ने अपने वक्तव्य में डाक विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं से लोगों को रूबरू कराया, बताया कि विभाग ने कोरोना काल में कैसे जरूरतमंदों तक पैसा पहुंचाया। आने वाले समय में विभाग पार्सल और व्यापारियों के लिए विभिन्न स्कीमें लाने जा रहा है। स्मॉल पोस्ट ऑफिस के जरिए विभाग प्रदेश में 8,000 नए पोस्ट ऑफिस खोलेगा। विभाग की गांव-गांव तक पहुंचने की योजना है। हर 3 किलोमीटर के फासले पर लोगों को डाक विभाग संबंधित सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। इस मौके पर नगर की 5 बच्चियों वैष्णवी, काव्या, आराध्या, अमाया और मानवी को सुकन्या योजना की सांकेतिक पॉलिसी सौंपी गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक के जिलाध्यक्ष चक्रपाणी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री प्रकाश अनुरागी, जिला प्रधान संगठन अध्यक्ष संजय द्विवेदी, पनवाड़ी नीरज द्विवेदी, संतोष विश्वकर्मा, मंडल अध्यक्ष भाजपा डॉक्टर मंगल सिंह महान, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र दुबे, घोटाई पंकज तिवारी, मीडिया प्रभारी उपेंद्र द्विवेदी, श्री प्रकाश मिश्रा, संतोष अग्निहोत्री, पिंके सिंह। सर क्या कार्यक्रम था आज अपने पनवाड़ी गांव में मार्केट में, मेन मार्केट में पोस्ट ऑफिस की जो जमीन पड़ी हुई थी बहुत दिनों से, उस पर मतलब पोस्ट ऑफिस की नया भवन उसका बना, उसका उद्घाटन का कार्यक्रम था। तो आज अपने यूपी के पोस्ट मास्टर जनरल, आज वो और उसके डाक विभाग के सभी पूरे अधिकारी कानपुर से वहाँ से सब लोग आए थे। आज पूरे नगर के वासियों ने, सभी लोगों ने आज उसका वहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में सब लोग सम्मिलित होने आए थे। सर पठान मूवी सर बड़ी सुर्खियों चल रही है, सोशल मीडिया बराबर विरोध चल जा रहा है लोगों द्वारा, सर क्या कहते हैं? ईमानदारी की बात यह है कि अभी हमें उसके बारे में ना तो देखने का मौका मिला ना समझने का, सुनी सुनी बात है। तो निश्चित रूप से जब बड़ी संख्या में जब लोग किसी चीज़ का विरोध करें या समर्थन करें तो उसको सही माना जाना चाहिए, क्योंकि जो निष्पक्ष लोग होते हैं, जो सामान्य जो जनमानस है, अगर बड़ी संख्या में किसी चीज़ का समर्थन कर रहा है तो वो सही है, और बड़ी संख्या में उसका विरोध कर रहे हैं तो वो गलत है। तो मैं सामान्य जनमानस की भावनाओं के साथ हूँ। सर राज के इंटर वाले जहाँ आपका प्रोग्राम हो रहा था जी, वहाँ स्टाफ भी बहुत कम है। बीच में अभी कुछ जानकारी में हुआ था, अभी वहाँ पे शिक्षकों के लिए हम लोगों ने बात की है और कुछ लोग रिटायर हो गए थे, कुछ शिक्षकों की कमी थी। अभी मुझे लगता है कि जल्दी संभावना है पूरा होने की। सर पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा सर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री, देखिए जो पाकिस्तान के जो भी विदेश मंत्री हों, कोई भी हों, अगर कोई इतना हल्का आदमी जो इतने बड़े व्यक्तित्व पर अगर टिप्पणी करे तो मैं समझता हूँ ऐसे आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी मंत्री और वहाँ के जो फौज के बड़े अफसर हैं वो जनता का खून चूस करके अपने खजाना भर रहे हैं। उनकी हैसियत पाकिस्तान की जनता से बात करने की नहीं है, और पूरे पाकिस्तान की हैसियत हमारे हिंदुस्तान के एक फौजी से बात करने की नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर बोल रहा है तो अपने मुंह में खुद थूकने का काम कर रहा है वो। ठीक,